हेलो फ्रेंड, दाना पानी भी सुधा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीठा पिट्ठा, जो बहुत ही स्वीट है। फ्रेंड, चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ हम 2 कप चावल का आटा लिए हैं। सबसे पहले हम गैस में हम एक बर्तन में 1 कप पानी डालेंगे। 2 कप चावल के आटे में 1 कप पानी डालेंगे। पानी को अच्छे से बॉयल करेंगे और इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी को अच्छे से पानी के साथ मेल्ट होने देंगे। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तब इसमें हम चावल का आटा डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ध्यान रखें, जब भी आप चावल का आटा डालें, थोड़ा थोड़ा डाल के और मिक्स करें। एक साथ डालने पे इसमें गांठे आ सकती है। गैस को हम बंद कर देंगे। जब भी चावल काटा डालें, गैस को आप बंद करके ही डालें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे ढक के 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे, ताकि आटा भी ठंडा हो जाए। 4 से 5 मिनट हो चुका है, आटा भी हमारा कुछ ठंडा हो चुका है। अब इसे हम बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और मलमल के गूँथेंगे, बिल्कुल चिकना बनाएंगे। आटे को आप जितना गूँथेंगे, उतना आपका पिट्ठा सॉफ्ट होगा। अब इसका एकदम आटे का सॉफ्ट डो बना के हम रेडी कर लेंगे। हमारा सॉफ्ट डो बन के रेडी हो गया है। अब हम स्टफिंग तैयार करते हैं। यहाँ हम मावा लिए हैं और कोकोनट। कोकोनट को अच्छे से हमने ग्रेट कर लिया, काले भाग को हटा के। और यहाँ पिसी हुई चीनी। फ्लेवर के लिए मैं कूटी हुई इलायची डाल रही हूँ। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा स्टफिंग तैयार है। अब हम स्टफिंग करेंगे। चावल के आटे का लोई लेंगे। अब जितना बड़ा छोटा रखना चाहते हैं, उस तरह से आप लोई लें। मैं यहाँ नींबू के शेप में एक लोई ली हूँ और इस तरह से कटोरी के शेप में बनाएंगे। दोनों हाथों की मदद से यह हमारा एक कटोरी बन के रेडी हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा फिलिंग डालेंगे। फिलिंग को दबाते हुए इस तरह से हम बंद कर लेंगे। ध्यान रखें, आप साइड साइड से अच्छे से हम प्रेस कर देंगे, ताकि हमारा फिलिंग बाहर ना निकले। यह हमारा पिट्ठा बन के रेडी हो गया है। एक और मैं पिट्ठा बना के दिखा रही हूँ आपको। इस तरह मैं एक छोटे नींबू के शेप में लोई ली हूँ। हाथों की मदद से कटोरी बनाएंगे। इसमें फिलिंग डालेंगे। और दोनों साइड से इस तरह से बंद कर देंगे। साइड साइड से अच्छे से हम बंद कर लेंगे। इस तरह से हम सारा पिट्ठा तैयार कर लेंगे। ये हमारा पिट्ठा तैयार है। इधर हम दूध को बॉयल करने छोड़ दिए थे। दूध अच्छे से हमारा बॉयल हो रहा है। अब इसमें हम एक एक करके सारा पिट्ठा डाल देंगे। पिट्ठा को 4 से 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे। जैसे ही पिट्ठा तैर के ऊपर आने लगेगा, तो हमारा पिट्ठा बन के रेडी हो जाएगा। आप इसे बीच में एक दो बार चला सकते हैं। पिट्ठा को आप बिल्कुल ना टच करें, बस दूध में ही आप चम्मच को चलाएं। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं पिट्ठा को टच नहीं कर रही हूँ, बस दूध में ही चम्मच को इस तरह से चला रही हूँ। अगर आप नहीं चलाएंगे तो पिट्ठा नीचे बैठ सकता है और आपका पिट्ठा फट सकता है, इसलिए हम पिट्ठे को बीच बीच में चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं पिट्ठा हमारा कैसे तैर के सब ऊपर आ रहा है। पिट्ठा हमारा बन के रेडी हो गया है। अब हम एक एक करके सारा पिट्ठा दूध से बाहर निकाल लेंगे।
पिट्ठा हमने सारा दूध से निकाल लिया है। अब हम दूध को गाढ़ा कर लेंगे। गाढ़ा करने के लिए हम इसे बची हुई मावा को डाल देंगे और इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी अपने अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ और बीच बीच में चलाते रहेंगे। आपको लगे कि दूध हमारा 50% हो गया है तो गैस को बंद कर देंगे। दूध हमारा सूख के आधा हो चुका है, दूध हमारा गाढ़ा हो गया है। अब दूध को हम पिट्ठे में डाल देंगे। मीठा पिट्ठा बन के रेडी हो गया है। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जैसे किशमिश, बादाम। सर्व करने के लिए हम एक पिट्ठा प्याले में डालेंगे और साथ में दूध। बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पिट्ठा हमारा बन के रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।